बांग्लादेश वाला जाता है आता है और ठीक बॉर्डर के साइड में आ जाएगा आपका ये बांग्लादेश। आप गाड़ी देख रहे हो, ये है बांग्लादेश का और ये जा रहा है उस तरफ और इंडिया जो है वो बीच में है। वेलकम गाइस टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो मैं अभी हूँ हल्दीबाड़ी में और मैं जाने वाला हूँ बांग्लादेश बॉर्डर। तो चलो बॉर्डर में चल के आपसे मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी एक ऐसे जगह में जाने वाला हूँ जहाँ से इंडिया बांग्लादेश को दो तरफ से डिवाइड कर रहा है और इसे देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। तो चलो दोस्तों मैं आपको इसे मैप के द्वारा दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारा इंडिया और ठीक इसके बीच में है बांग्लादेश और यहाँ मैं इसको जैसे जैसे जूम इन करता हूँ यहाँ आप देख सकते हो बांग्लादेश दो तरफ से डिवाइड किया गया है और बीच में अपना इंडिया है और इस जगह का नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हल्दीबाड़ी और मैं भी पहुंच गया था हल्दीबाड़ी और यहां से इसकी दूरी है टोटल 43 किलोमीटर। और अभी हम जिस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है जॉय सेतु। ये 1 फरवरी 2021 में खोला गया था और इसकी कुल लंबाई 3.8 किलोमीटर है और ये ब्रिज हल्दीबाड़ी और मेकलीगंज शहर को जोड़ती है। कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए थे मेकलीगंज और मेकलीगंज से इसकी दूरी है 21 किलोमीटर। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे 3 बीघा कॉरिडोर और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये है इंडिया और इसी के दोनों तरफ है बांग्लादेश जिसे मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और मैं इस वक्त हूं इंडिया में गाइस, देख सकते हो पूरा इंडिया का बॉर्डर यहां पे बना हुआ है और ये है इंडियन बीएसएफ मेरे सामने। इंडियन बीएसएफ के जवान यहां पे हैं, बड़े अच्छे से ये लोग अपना काम कर रहे हैं और ये है अपना इंडिया का बॉर्डर, ये है बॉर्डर और ठीक बॉर्डर के साइड में आ जाएगा आपका ये बांग्लादेश। तो ये आप देख सकते हो बांग्लादेश। तो दोस्तों जैसा कि आप इस बाइक को देख रहे हो ये है एक बांग्लादेशी बाइक जो जा रहा है बांग्लादेश के अंदर और इस एरिया का नाम है पाटग्राम और ये जहाँ से आया है उसका नाम है दोहग्राम जो कि चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। तो यहाँ मैंने बीएसएफ से बात किया और बात करके मुझे ये पता लगा कि पहले यहाँ 6 घंटे के लिए इन्हें इस पार से उस पार जाने दिया जाता था लेकिन अब इसे 24 घंटे के लिए ओपन कर दिया गया है ताकि ये अपने एरिया में बड़े आराम से आ जा सके। तो ये है गाइस यहाँ का पार्किंग और यहाँ के बीएसएफ भी काफ़ी फ्रेंडली हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर रहे थे। तो चलो यहाँ के एक लोकल भैया से बात कर लेते हैं। मैं तो इधर लकर करता है लेकिन दो तरफ से बांग्लादेश है। अच्छा रास्ता का दोनों तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। अच्छा फिर वो बीच में वो लोग बांग्लादेश वाला जाता है आता है। अच्छा अच्छा इंडिया वाला इधर जाता है बांग्लादेश। अच्छा। वाला इधर जाता है। अच्छा मतलब इंडिया का बीच में बांग्लादेश का रास्ता है। हाँ रास्ता है। अच्छा तो मतलब जैसे वो लोग जो जाता है तो हम लोग का बीएसएफ वाला उन लोग को रोकता है कि नहीं रोकता है? नहीं नहीं रोकता है ना। और उनसे बात बात नहीं कर सकता है, उनसे बात करना मना है। तो ये वाला जो भैया जो बोल रहे थे ना गाइस, तो ये देखो ये है रास्ता जो कि आपका बांग्लादेश का है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देख रहे हैं आप भैया यहाँ पे बैठा हुआ है इंडियन बीएसएफ और ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये है बांग्लादेश का और ये जा रहा है उस तरफ और इंडिया जो है वो बीच में है। तो गाइस ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है यहाँ पे एक कैंटीन भी बना हुआ है। फिलहाल तो कैंटीन बंद है। ये देख लो कैंटीन जो कि इंडियन बीएसएफ इसको रन कर रहा है और ये शाम 4 बजे से कितना बजे तक? 7 बजे तक। तो शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये खुलता है। कैंटीन के अलावा आपको सड़क के सामने 2-3 दुकानें और मिल जाएंगी जहाँ आपको खाने पीने में काफ़ी वैरायटी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप खाने पीने के सामान ले सकते हो।
और ये जो आप देख रहे हो ये है बांग्लादेशी आदमी जो कि अपने एरिया में फार्मिंग कर रहा है। बॉर्डर के बीच में जैसे कि हमें बीएसएफ वालों ने बताया कि आप वीडियो मत करना और किसी बांग्लादेशी से बात मत करना, आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग अभी भी देख रहे हो तो वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगने से एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।